नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय DST चैनल में आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देखें। आज हम विभिन्न कंपटीशन की एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो इंग्लिश आती है तो उनमें डिटरमाइनर्स लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, आज हम उन्हें पढ़ते हैं। डिटरमाइनर्स जो होते हैं उनका मतलब हिंदी में कहें तो निर्धारक होता है। ये किसी भी नाउन के आगे जब लगते हैं तो उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी जो है, मात्रा जो है, वो निर्धारित कर देते हैं, इसलिए डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। तो ये कई प्रकार के हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो सम हैं और एनी, ये बिल्कुल एक से हैं। डिटरमाइनर जो है मैक्सिमम पेयर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, जो एक दूसरे का अपोजिट चलता है। तो जो सम है, सम का मीनिंग भी कुछ होता है या कोई होता है, एनी का मीनिंग भी कुछ होता है या कोई होता है। नॉर्मली सम का मीनिंग कुछ निकलता है और एनी का मीनिंग जो है वो कोई निकलता है। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इनके कुछ रूल्स हैं, आप वो ध्यान रखेंगे तो ये आपके कभी गलत नहीं होंगे। जैसे हम पहले सम की बात करते हैं, सम जो है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य होते हैं, और एनी जो होता है जस्ट उल्टे ही, निगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग होता है जो नकारात्मक होते हैं। और एनी का प्रयोग इंट्रागेटिव सेंटेंस जो होता है उनमें भी होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इंट्रागेटिव या प्रश्नवाचक चिन्ह जो हैं उनमें भी एनी का प्रयोग होता है, तो इसमें आप इसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो नॉर्मली इंट्रागेटिव हैं लेकिन उनमें एनी की जगह सम आएगा, हम उन पर फोकस करते हैं। तो आप ध्यान रखें, जैसे सेंटेंस अगर विल या वुड इससे स्टार्ट होता है तो वो इंट्रागेटिव तो है लेकिन उसमें सम आएगा। क्यों? क्योंकि विल और जो वुड होते हैं वो पोलाइटनेस या विनम्रता बताते हैं। तो जब भी विनम्रता की बात होती है तो जो सम है वो आता है, एनी नहीं आता, सेंटेंस भले ही इंट्रागेटिव होता है। नेक्स्ट जो इसमें है, अगर सेंटेंस में विल या वुड की जगह प्लीज़ लिखा हो तो PLEASE, प्लीज़ जो है कृपया, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है या कह सकते हो पोलाइटनेस बता रहा है, इसलिए इसमें भी सम आएगा। दूसरा है, अगर सेंटेंस में विदाउट लिखा है तो विदाउट का जो मीनिंग है निगेटिव है, इसलिए उसमें एनी आएगा। और अगर उसमें विदाउट की जगह विथ लिखा है तो उसमें साथ, इसमें सम आएगा। तो इस ये कुछ कंडीशंस हैं। इसके बाद कुछ और जो रूल्स हैं वो हम देख, हाँ, इसके बाद जो कुछ रूल्स होते हैं वो ये हैं। हाँ, इसके बाद साथियों और ध्यान रखें कि एनी जो होता है उसके कुछ और रूल्स होते हैं, और वो रूल्स हैं, अगर सेंटेंस में हार्डली लिखा है तो उसमें एनी आएगा, अगर सेंटेंस में कहीं विदाउट है तो उसमें भी एनी आएगा। ये आपके जो नॉर्मल रूल्स हैं साथियों वो हमने सारे बता दिए हैं। इसके बाद हम एग्जांपल आपको देते हैं, आप उस एक्सरसाइज को करें, हम भी करते हैं, तो आपके क्लियर हो जाएंगे। बस ध्यान इन रूल्स का रखें, कुछ आपको कॉमन सेंस भी लगाना है कि अगर उसका मीनिंग आपको लगता है एनी में सही आ रहा है तो आप एनी लगाएं, और लगता है सम में सही आ रहा है तो आप सम फिल करें। हम आपको कुछ एग्जांपल्स या एक्सरसाइज देते हैं। इसके बाद साथियों कुछ एग्जांपल्स हैं जो डिटरमाइनर्स हैं, आप इनको फिल करें। तो हम आपको ये PDF बता रहे हैं, ये इसमें आपको सम और एनी फिल करना है। हाँ, तो जो फर्स्ट है आपका I am going to buy खालिस्तान, तो क्लॉथ मीन्स कपड़े होते हैं। और आप सेंटेंस देखें, बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कहीं भी नॉट या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, सम फिल करेंगे। नेक्स्ट है, देयर इज नॉट खालिस्तान ऑरेंज जूस इन द फ्रिज, तो जो नॉट शब्द लगा है इसका मतलब इसमें आप एनी फिल करेंगे। थर्ड है, हैज़ ही गॉट, वर्ब आगे है, पीछे क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रागेटिव है, इसलिए इसमें आप एनी लगाएं, हैज़ ही गॉट एनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका फोर्थ है, इसमें लिखा कैन आई हैव खालिस्तान सूप, तो इसमें आप देखें प्लीज़ लिखा है, इसका मतलब ये इंट्रागेटिव तो है लेकिन इसमें पोलाइटनेस इंक्लूड है, इसलिए इसमें आप एनी ना लगा के इसमें आप सम फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका कम एंड सी मी, खालिस्तान टाइम यू वांट, कम एंड सी मी, तुम आओ और मुझसे किसी भी समय मिल सकते हो, तो कम एंड सी मी एनी टाइम, वी कैन नॉट से सम टाइम। तो इसमें हमने कहा था कॉमन सेंस लगाएं, वो यही है, आप कम एंड सी मी सम टाइम,
ये गलत है, कम एंड सी मी एनी टाइम, तो इसमें आप एनी लगाएं। डोंट में खाली स्थान नोइस, तो इसमें डोंट में एनी लगा है या नॉट लगा है, इसलिए इसमें आप एनी फिल करें। ही वांट्स टू गेट, यहाँ बिल्कुल निगेटिविटी नहीं है, तो इसमें आएगा सम। नेक्स्ट है आई एम थर्स्टी, कैन आई हैव खाली स्थान वाटर प्लीज़, तो इसमें फिर प्लीज़ लिखा है, तो इसमें आप इंट्रागेटिव है लेकिन सम फिल करें। आठवां जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आप देखें, इसमें वुड लिखा है, वुड जो है पोलाइटनेस बताता है, तो आप भरें वुड यू लाइक सम टी। नेक्स्ट है नाइन्थ, जॉर्ज एंड एलिस हैवंट गॉट खाली स्थान चिल्ड्रन, तो इसमें हैवंट गॉट मीन्स हैव नॉट, निगेटिविटी है, एनी आएगा। दे हैव हार्डली खाली स्थान नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इसमें पॉजिटिव है लेकिन हार्डली लिखा है, इसलिए इसमें एनी करना है फिल। जो 11 नंबर का है, माई मदर हैज़ गॉट परचेस्ड खाली स्थान एप्पल्स, तो माई मदर हैज़ नॉट परचेस्ड, नॉट लिखा तो एनी एप्पल्स, इसमें एनी आएगा। ही क्रॉस द फ्रंटियर विदाउट खाली स्थान, हमने कहा था अगर सेंटेंस में विदाउट लिखा है तो आपको फिल करना है एनी। ही क्रॉस द फ्रंटियर विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ये साथियों आपकी एक्सरसाइज हमने बता दिए हैं, इसमें ये हैं, आप इनको इसी रूल्स के हिसाब से भरें। वो जो अपना नेक्स्ट डिटरमाइनर है वो है मच एंड मैनी, हम आपको पहले इनके रूल्स बता दें फिर आप इनकी एक्सरसाइज करें। इसके बाद साथी जो नेक्स्ट डिटरमाइनर है मच एंड मैनी, दोनों डिटरमाइनर्स कहलाते हैं, तो मच एंड मैनी, तो दोनों का मीनिंग आपको पता है, हिंदी में दोनों का मीनिंग होता है बहुत अधिक या ज़्यादा, आप इसका ध्यान रखें। बस अंतर है कि मच कहाँ लगाना है, मैनी कहाँ लगाना है। तो मच का जो प्रयोग है वो हमेशा क्वांटिटी बताता है, आप ध्यान रखें, क्यू यू ए एन टी आई टी वाई, हिंदी में मात्रा लिख लें। मैनी जो है वो हमेशा काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल का मतलब जो गिन सकें आप वो काउंटेबल है, और जो नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल जो है वो मच बताएगा और काउंटेबल है वो मैनी बताएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा अपन को साथियों लगता है, लेकिन जब अपन इन्हें लगाते हैं तो ये बहुत इजी नहीं रहते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखने में काउंटेबल हैं लेकिन वो अनकाउंटेबल होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखने में अनकाउंटेबल लगते हैं लेकिन वो काउंटेबल होते हैं। तो आइए हम इनकी एक्सरसाइज करते हैं, बाकी इनका रूल्स इतना ही है। हाँ, तो इसका जो नेक्स्ट रूल्स है मच एंड मैनी आपको साथियों फिल करना है। आई मेड अ गुड, तो आप देखें फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो है ये काउंटेबल है, गिना जा सकता है, तो आप इसमें मैनी फिल करें। नेक्स्ट है देयर इज नॉट खाली स्थान वाटर इन द लेक दिस ईयर, तो वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, पानी को आप नहीं गिन सकते, तो नॉट की जगह आप मच लगाएं। नेक्स्ट हैव यू रेड खाली स्थान इंग्लिश पोएम्स, तो इसमें आप ध्यान दें, क्या आपने हैव यू रेड मच इंग्लिश पोएम या हैव यू रेड मैनी इंग्लिश पोएम। हाँ, तो इसमें आप ध्यान दें, हैव यू रेड खालिस्तान इंग्लिश पोएम जो है, तो इसमें आप देखें पोएम्स जो है ये काउंटेबल है, गिनी जा सकती हैं, तो आप इसमें मैनी लगाएं। नेक्स्ट है फोर द बॉयज मेड खालिस्तान नोइज, नोइज जो है नोइज मीन्स हल्ला शोर, इसे आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें आप मच फिल करेंगे एम यू सी एच। पांचवा डज ही डू खाली स्थान वर्क डेली, तो जो वर्क है कार्य है वो गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसमें मच आएगा, डज ही डू मच वर्क डेली, इसका आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है हाउ खाली स्थान टाइम्स डिड यू मीट हिम, इसको आप बहुत ध्यान से देखें साथियों, हाउ खाली स्थान टाइम, टाइम जो है इसमें एस लिखा है, मतलब ये काउंटेबल है, तो आप लिखेंगे हाउ मैनी टाइम्स Did you meet him? आप उससे कितनी बार मिल चुके हैं, लेकिन उसके नीचे जो सेवन है हाउ खालिस्तान टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तो इसमें टाइम जो है एस नहीं लगा, ये प्लूरल नहीं, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे मच, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। जो आठवां है आपका आई डोंट नो हाउ खालिस्तान थिंग्स ही हैज स्टोलन, तो हाउ खाली स्थान थिंग्स काउंटेबल हैं, एस लगा है, तो इसमें आप मैनी लिखेंगे। नौमा ही हैड टू खाली स्थान वर्क, वर्क अनकाउंटेबल है, तो वर्क नौवे में आप मच लिखें, नौवे में आप मच लिखें, आठवे में मैनी। दसवां हाउ सुगर, सुगर जो है अनकाउंटेबल है, तो इसमें भी आप मच लिखें, हाउ मच सुगर डू यू टेक इन योर टी। इलेवन
जो 11वां है माय ब्रदर डजंट टेक खालिस्तान इंटरेस्ट इन गेम्स। माय ब्रदर डजंट टेक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है रुचि, रुचि जो होती है अनकाउंटेबल हैं, तो इसमें आएगा मच, अगर एस लगा होता तो आता मैनी, तो इसमें मच आएगा। वी डू नॉट स्पेंड खालिस्तान मनी, पैसा जो होता है साथियों अनकाउंटेबल होता है, तो इसमें मैनी आएगा। वी डू नॉट स्पेंड मच मनी ऑन बुक्स। 13 है हाउ खालिस्तान लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेज जो है भाषाएं, भाषाएं काउंटेबल हैं, तो आप कहेंगे हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो, ये आपका। इसके बाद साथियों जो 3 है हम छोड़ रहे हैं, ये आप करें, जब आपको ना बने तो आप हमें बताएं कि इनमें क्या आएगा, और बिल्कुल सिंपल सा है, फिर आप हमें बताएं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिटरमाइनर्स हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, वो हैं ईच एंड एवरी, तो इसमें अपन को करना है, इसके हम पहले आपको रूल्स बता देते हैं। हाँ, इसके बाद साथियों नेक्स्ट डिटरमाइनर है वो है ईच एंड एवरी, तो ये बिल्कुल सिंपल से हैं, ईच और एवरी दोनों का मतलब होता है हिंदी में प्रत्येक या हरेक, प्रत्येक या हरेक, इनको आप ध्यान दें, ईच और एवरी इनको इतना समझना है। अगर साथियों बात बहुत कम चीज़ों की हो रही है, दो चीज़ों की हो रही है, तो आप उसमें ईच लगाएं, अगर बात कोई फिक्स काउंटेबल नाउन की हो रही है तो उसमें आप ईच लगाएं, और अगर बात अनलिमिटेड हो रही है या अनसर्टेनिटी, अगर कोई चीज़ डेफिनेट है पहले से फिक्स की गई है तो आप ईच लगाएं, और अगर कोई चीज़ इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, आपको पता नहीं है, तो आप एवरी लगाएं। काउंटेबल है तो ईच लगाएं और अनकाउंटेबल है तो एवरी लगाएं, ये आपके रूल्स हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल का इसमें चलता है, काउंटेबल है तो आप ईच लगाएं, और अनकाउंटेबल का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो शुगर है कि ऑयल है, अनकाउंटेबल का मतलब है यहाँ जो चीज़ें गिनी ना जा सकें, इनडेफिनिट रहें, जो अनिश्चित रहें, आपको पता नहीं हो, तो वहाँ ईच और एवरी आएगा, एक्सरसाइज से आप कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद साथियों आपको ईच और एवरी फिल करना है, तो हमने आपको जो रूल्स बताए हैं आप उन रूल्स के हिसाब से करें, तो इसका आप ध्यान रखें। जैसे पहला सेंटेंस है, देयर वर फोर बुक्स ऑन द टेबल एंड खालिस्तान बुक वाज अ डिफरेंट कलर, तो इसमें आप देखें कि ईच आएगा कि एवरी, तो आप इसमें साथियों ईच आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो फोर बुक्स, देखो आप यहाँ फोर पहले से लिख दिया है, मतलब वो चीज़ जो है डेफिनेट हो गई है, काउंटेबल है कि देयर वर ओनली फोर बुक्स ऑन द टेबल एंड ईच बुक वाज अ डिफरेंट कलर, तो इसमें आप ईच फिल करें, इसमें ईच आएगा। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन लव्स रीडिंग एंड ही हैज़ रेड खालिस्तान बुक इन द लाइब्रेरी, मोहन को रीडिंग से प्रेम है और ही हैज़ रेड, वो पढ़ चुका है खालिस्तान बुक, तो लाइब्रेरी में साथियों बुक्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसमें क्या आप फिल करेंगे, एवरी। थर्ड है, ही गोज़ फॉर अ वॉक, ही गोज़ फॉर अ वॉक खालिस्तान डे, उसने लिखा हुआ है घूमने जाता है, डेली घूमने जाता है, ये उनने नहीं लिखा है, तो अपन ही गोज़ फॉर अ वॉक, उनने कोई जगह फिक्स नहीं की है, तो इसमें आएगा ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे, वो प्रत्येक दिन घूमने जाता, कितने कब से जा रहा कब तक जाएगा ये फिक्स नहीं, इसलिए एवरी आएगा। देयर इज अ बस खालिस्तान 10 मिनट, तो देयर इज अ बस, बस 10 मिनट में है, लेकिन कौन से 10 मिनट, हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट जो है वो भी आपका फिक्स नहीं है, इसलिए इसमें एवरी आएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, स्टडी खालिस्तान सेंटेंस केयरफुली, तो स्टडी खालिस्तान सेंटेंस केयरफुली, आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो एक साथ सारे सेंटेंस नहीं पढ़ोगे, एक एक करके सेंटेंस पढ़ोगे, तो इसमें क्या आएगा साथियों, ईच आएगा, स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली। सिक्स जो है वो इसमें पहले से उनने फिल किया है, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब है, ये इसलिए इसमें एवरी आएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है अनलिमिटेड हैं, तो इसमें एवरी। इन अ फुटबॉल मैच खालिस्तान टीम हैज 11 प्लेयर्स, तो फुटबॉल मैच में अपन को पता है कि फुटबॉल मैच में प्रत्येक टीम के पास 11 प्लेयर्स होते हैं, तो इसमें क्या लगाओगे आप, इसमें आप लगाएं ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स, इसका आप ध्यान दें। इसके बाद है आपका आठवां, आई वॉज अवे 10 डेज, हाँ
सातवें में आप ईच लगाएं। इसके बाद है आई वॉज अवे 10 days एंड इट रेनेड। इसमें देखो साथी, उनने 10 days फिक्स कर दिया है, मैं 10 दिन बाहर रहा हूँ, प्रत्येक दिन इट रेनेड ईच डे, प्रत्येक दिन बारिश हुई, तो इसमें आप लगाएंगे ईच। आई वॉज अवे 10 days एंड इट रेनेड ईच डे, और इट रेनेड खालिस्तान ने ड्यूरिंग माई हॉलीडे, तो 9th जो है इसमें हॉलीडे पे तो गया लेकिन दिन फिक्स नहीं थे, तो इसमें आएगा एवरी डे। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो आप साथियों। नेक्स्ट है 10, देयर वर 6 shirts, इसमें उन्होंने फिक्स कर दिया 6 shirts, इसलिए से ईच शर्ट वॉज अ डिफरेंट कलर आएगा। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years, हर 4 साल में गेम्स होते हैं, ये फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट है, एवरी 4 years। इसके बाद आते हैं अपन 12, देयर आर 2 girls, तो इसमें देखें 2 girls पहले से फिक्स कर दिया है, इसलिए ईच गर्ल हैज अ ब्यूटीफुल पेन, ईच आएगा। इन अ गेम ऑफ टेनिस देयर आर 2 or 4 players, इसमें भी फिक्स है, तो ईच प्लेयर हैज अ रैकेट, इसमें ये ईच आएगा 13 में। अब आते हैं 14 पे, द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड ऑन, पेड़ लगाए गए, तो आप जानते हो रोड में सिर्फ 2 side पेड़ होते हैं, 4 side पेड़ नहीं हो सकते, रोड में 2 ही किनारे होते हैं, तो इसमें 2 किनारे फिक्स है, तो इसलिए ईच साइड ऑफ द रोड आएगा। तो द सनराइजेज इन द ईस्ट, द सनराइजेज इन द ईस्ट खालिस्तान डे, प्रत्येक दिन सूरज डूबता है, कब में, पूर्व में, तो एवरी डे आएगा, द सनराइज इन द ईस्ट एवरी डे। आई ट्राइड टू फोन हर 2 or 3 times, बट ईच टाइम देयर वाज नो रिप्लाई, इसमें आप ध्यान रखें, आई ट्राई टू फोन, 2 या 3 बार कॉल किया और ईच टाइम, प्रत्येक बार उसने फोन का रिप्लाई नहीं दिया, तो इसमें आएगा ईच, EACH, ईच आएगा, हाँ इस पर आप ध्यान दें, ये ईच आएगा। हाँ नेक्स्ट है 17, ही कम्स टू मी खालिस्तान 5 days, ही हैज़ 2 sons खालिस्तान, हैज़ अ बाइक एंड ही गोज टू चर्च खालिस्तान संडे। तो ये 3 हम आपको छोड़ रहे हैं, ये आप फिल करें और हमें बताएं इसमें क्या आएगा। इसका जो 17, इसकी हिंदी है, वह प्रत्येक 5 दिन में हमसे मिलने आता है, 18 है, उसके 2 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे के पास बाइक है और वो चर्च प्रतिदिन जाता है, ये हिंदी है, आप इनको फिल करें और हमें बताएं। नेक्स्ट जो है आइदर एंड नी नाइदर, जिसे अपन ईदर और नीदर पढ़ते हैं, इनके पहले हम आपको रूल्स बता रहे हैं, उसके बाद अपन ये एक्सरसाइज, हाँ इसके बाद साथियों ईदर और नीदर हम यूज़ करते हैं, तो आप सबसे पहला इनका जो रूल्स है वो ध्यान रखें, इनका प्रयोग, दोनों का प्रयोग चॉइस बताने में किया जाता है। अब चॉइस अगर 2 चीज़ों में बताना हो तो आप आइदर का यूज़ करें, और चॉइस अगर दोनों ही ना हो तो आप नाइदर का यूज़ करें। नाइदर में नॉट होता है, तो ध्यान रखें, अगर सेंटेंस में नॉट लिखा है तो उसमें नाइदर नहीं आएगा, उसमें आइदर आएगा, सिर्फ चॉइस बताने के लिए, और अगर चॉइस 2 लोगों में हो तब आइदर आएगा, और 2 में जो है उनको नहीं चॉइस दोनों हो, ना तो ये ना वो, तो उसमें नाइदर आता है। ये पेयर में भी चलते हैं आइदर और नाइदर नॉर के नाम से, तो ये आपके रूल्स हैं। हिंदी में कहें तो आइदर मीन्स या तो ये या ए, और नाइदर का मतलब होता है ना ही ये और ना ही वो। तो ये आपका जो है वो हमने रूल्स बता दिए हैं, अब अपन एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट आपका है साथियों ईदर और नीदर, देयर आर 2 restaurants हेयर, वी कैन नॉट गो टू खालिस्तान रेस्टोरेंट। तो हमने कहा था अगर नॉट लगा है तो आपको नाइदर नहीं लगाना, इसमें चूंकि नॉट लगा है कैन नॉट गो टू, तो इसमें आएगा आइदर रेस्टोरेंट। और नेक्स्ट है बिकॉज खालिस्तान रेस्टोरेंट इज वेरी गुड, बिकॉज क्योंकि हम, वी कैन नॉट गो टू आइदर रेस्टोरेंट बिकॉज नाइदर रेस्टोरेंट इज़ वेरी गुड, हम किसी भी रेस्टोरेंट नहीं जा सकते क्योंकि नाइदर रेस्टोरेंट, कोई भी रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है। सेकेंड है मोहन हैज़ गिवन मी 2 books बट आई हैव नॉट रेड आइदर बुक, इसमें पहले से साथियों नॉट लगा है तो अपन को आइदर फिल करना है। नेक्स्ट है मोहन हैज़ गिवन मी 2 books बट आई हैव रेड, इसमें नहीं लगा तो इसमें अपन को नाइदर लगाना है, नाइदर बुक। बट जो है वो 2 negative sentence, 1 sentence positive 1 negative होता है तब यूज होता है।
जो फोर है कम ऑन ट्यूजडे और थर्सडे, खालिस्तान डेज ओके। कम ऑन, तुम ट्यूजडे या थर्सडे को आ सकते हो, दोनों दिन अच्छे हैं। तो इसमें आप आइदर लगाएंगे, आइदर डेज ओके, क्योंकि दोनों पॉजिटिव बता रहे हैं। पांचवा आप विशेष ध्यान दें साथियों, इसमें क्या आएगा, तो खालिस्तान एक्यूसेशन इज ट्रू, ही इज श्योर टू बी एक्विटेड। एक्यूसेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एक्यूसेशन का मतलब होता है दोषारोपण करना। तो नाइदर एक्यूसेशन इज ट्रू, नाइदर आएगा, कोई भी उस पर जो दोष लगाया गया है वो सही नहीं है। ही इज श्योर टू बी एक्विटेड, उसको निश्चित ही वो छूट जाएगा। तो इसमें आपको आइदर लगाना है, Neither accusation is true, he is sure to be acquitted. फिर सिक्स नंबर में, he can write with खालिस्तान hand. Hand आपको पता दो होते हैं, तो इसमें आप आइदर लगाएंगे। सातवां, there were trees on खालिस्तान side of the road. तो इसमें आप ध्यान रखें, ट्री पेड़े जो हैं, रोड जो है टू साइड्स होती हैं, तो इसमें भी आप आइदर लगाएंगे, आइदर साइड ऑफ द रोड। आठवां जो है, ट्विन वाज इनवाइटेड टू द पार्टी सो दे डिड नॉट गो देयर। यहाँ सेकंड सेंटेंस देखो आप, नेगेटिव है, मतलब नाइदर ट्विन वाज इनवाइटेड टू द पार्टी, दोनों में से, दोनों जुड़वा में से किसी को भी पार्टी में आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए दोनों नहीं गए, सो दे डिड नॉट गो देयर। नाइन्थ है, ही मे ज्वाइन खालिस्तान पार्टी बट ही फाउंड खालिस्तान पार्टी एक्सेप्टेबल। तो जो नाइन्थ का है इसको आप देखें, पहला सेंटेंस में बिल्कुल नॉट नहीं है, पॉजिटिव है। तो ही में ज्वाइन आइदर पार्टी, वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, बट किंतु ही फाउंड, उसने पाया नाइदर पार्टी एक्सेप्टेबल, कोई भी पार्टी स्वीकार योग्य नहीं है। ये आपका नाइन्थ है। इसके बाद आते हैं टेंथ पर, देयर वर फ्लावर्स ऑन खालिस्तान साइड ऑफ द रिवर। रिवर, तो रिवर में भी आप देखें दो साइड्स होती हैं नदी में भी, तो इसमें भी आप क्या फिल करेंगे, इसमें आप आइदर ही फिल करेंगे। और ग्यारहवा है, ही कुड नॉट मीट मी ऑन मंडे या ट्यूजडे बिकॉज आई वॉच एट स्कूल ऑन खालिस्तान डे। तो आप ध्यान दें, ही कुड नॉट मीट मी, ना तो मुझे वो मंडे को मिला ना ट्यूजडे को, क्योंकि आई वॉच एट स्कूल ऑन नाइदर डे, क्योंकि मैं किसी भी दिन स्कूल में था नहीं, इसलिए उसे नहीं मिला। ये साथियों आपके आइदर और नाइदर या ईदर नीदर हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट डिटरमाइनर हैं वो हैं आल, होल एंड बोथ। तो हम इनके आपको पहले रूल्स बताते हैं, फिर अपन तो इसके बाद साथियों नेक्स्ट डिटरमाइनर हैं ऑल, होल एंड बोथ। आल मीन्स होता है सभी, लेकिन इसमें जो नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता है, मतलब आप गिन सकते हो नहीं भी गिन सकते, दोनों आते हैं। और होल जो है इसका मीनिंग भी होता है सभी, लेकिन इसका सही सभी ना हो के सेंस निकलता है पूर्ण, या हिंदी में कहें तो पूरा। और दूसरा इसकी शर्त है, आल के बाद दा आता है या आ सकता है, और होल के पहले दा आता है या आ सकता है, और बोथ मीन्स होता है दोनों। तो जब भी दो चीज़ों की बात हो, टू थिंग्स आर mentioned इन एनी सेंटेंस, यू कैन यूज़ बोथ। ध्यान रखें, इसका बोथ मीन्स दो, और होल मीन्स पूर्ण या पूरा। द होल आएगा पहले द, फिर होल, द फिर होल आएगा। और जो सेंटेंस है आल और उसके बाद फिर आता है द, ये आपका रूल्स है। तो ध्यान रखें, अगर चीज़ें गिनी जा सकती हैं, प्लूरल है तो आएगा ऑल, और अगर सिंगुलर है और पूरा है तब आएगा होल। अब अपन एक्सरसाइज करते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर। हाँ, इसके बाद साथियों एक्सरसाइज है आल, होल और बोथ। फर्स्ट जो है, खालिस्तान एक्सरसाइज आर नॉट इक्वली इजी टू डू। तो आप देखें, एक्सरसाइज में एस लगा है, मतलब ये बहुवचन में है, तो क्या आएगा, ऑल एक्सरसाइजेस आर नॉट इक्वली इजी टू डू। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड वेप्ट एट गांधी जी डेथ। दुनिया एक ही है लेकिन पूरी है, तो द लगा है, तो इसमें आएगा द होल वर्ल्ड वेप्ट एट गांधी जीज डेथ। जो थर्ड है, खालिस्तान हिज लेग्स हैव बीन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो आप देखें, लेग पैर कितने होते हैं, दो होते हैं, तो इसमें क्या आएगा, बोथ हिज लेग्स हैव बीन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। आप बोथ का यूज करें यहाँ। फोर्थ है, ही स्पेंट खालिस्तान द मनी। तो ही स्पेंट ऑल द मनी, नॉट होल द मनी, आल्ला आएगा।
ही पेड हिज खालिस्तान अटेंशन, अटेंशन आप काउंट नहीं कर सकते तो आएगा होल अटेंशन, ही पेड हिज होल अटेंशन टू हिज स्टडीज। सिक्स, ही कैन प्ले बैडमिंटन विथ खालिस्तान द हैंड्स, तो हैंड्स फिर दो होते हैं तो यहाँ आप क्या लगाओगे, बोथ। सेवन, प्लीज टेक द खालिस्तान लोप ऑफ ब्रेड, लोप मीन्स होता है टुकड़ा टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा, तो ये अनकाउंटेबल हो गया, तो ही प्लीज टेक द होल लोफ ऑफ ब्रेड, दूसरा द के बाद होल ही आएगा। नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स हेल्प मी, तो फ्रेंड्स गिन सकते हो तो ऑल माई फ्रेंड्स। नाइन है वी स्पेंट खालिस्तान डे ऑन द बीच, तो वी स्पेंट, ये चूंकि साथियों मिसप्रिंट है, डे नहीं होना चाहिए, डेज होना चाहिए, तो वी स्पेंट ऑल डेज ऑन द बीच। एंड दसवा है वी स्पेंट द होल डे। नौवे का मीनिंग है हमने चार दिन रहे हम बीच पर और चारों दिन बीच पे बिताए, वो आल आएगा, और हम बीच पर रहे और एक दिन हमने सुबह से शाम तक पूरा बीच पे बिताया, तो वो आएगा द होल डे ऑन द बीच। ये आपका कह सकते हो डिटरमाइनर्स हैं। इसके बाद जो लास्ट डिटरमाइनर्स हैं वो हैं फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। इसका हम आपको रूल्स बता साथियों। इसके बाद जो नेक्स्ट डिटरमाइनर हैं आपके वो हैं लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। लिटिल मीन्स थोड़ा सा, फ्यू मीन्स भी थोड़ा सा या तनक सा अपनी बुंदेलखंडी में। और आ लिटिल और ए फ्यू, बस दोनों का मीनिंग, लिटिल और ए लिटिल, फ्यू ए फ्यू, दोनों का मीनिंग थोड़ा सा ही होता है। अंतर सिर्फ है द लिटिल और द फ्यू के मीनिंग में। द लिटिल और द फ्यू का जो मीनिंग है वो होता है जो भी थोड़ा सा है, बचा हुआ पूरा, और ये बहुत कम यूज होते हैं साथियों। लिटिल और ए फ्यू और ए लिटिल, ए फ्यू ज़्यादा यूज होता है। तो आप इनका सेंस देखें, लिटिल जो है ये नेगेटिव सेंस में दोनों यूज होते हैं, नेगेट फ्यू एंड लिटिल, लिटिल और फ्यू ये दोनों नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। अगर आप चीज़ों को गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो तो फ्यू लगाओगे, और गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल हैं तो आप लिटिल लगाओगे। नेक्स्ट है ए लिटिल और ए फ्यू, ये भी रूल यही चलेगा, गिन सकते हो तो ए फ्यू लगाओगे, नहीं गिन सकते तो ए लिटिल लगाओगे, बस सेंस बदलेगा, नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। और द लिटिल और द फ्यू जो हैं इनका मीनिंग जो है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, इनका अर्थ होता है जो भी थोड़ा सा बचा खुचा है वो पूरा, उसमें द लिटिल और द फ्यू आता है। तो आप इनका विशेष ध्यान रखें, द फ्यू और द लिटिल एक सेंटेंस में ये नहीं आते, इनके साथ एक सेंटेंस ऑलरेडी ऐड रहेगा तब द लिटिल और द फ्यू आता है, इसका आप ध्यान रखें। अब आप एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपका क्लियर हो जाए। हाँ, इसके बाद साथियों ये आपके एक्सरसाइज हैं जिसमें आपको फ्यू ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल ए लिटिल, द लिटिल फिल करना है। तो आप सेंस को समझें साथियों तो आपका मीनिंग निकल जाएगा सही। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज नॉट पॉपुलर खालिस्तान, ही हैज फ्रेंड, तो आप देखें इसमें नॉट पहले से लिखा है, नेगेटिविटी आ गई। ही इज नॉट पॉपुलर, वो फेमस नहीं है, ही हैज खालिस्तान फ्रेंड, फ्रेंड को आप गिन सकते हो तो आप क्या लगाओगे, फ्यू, क्यों, क्योंकि सेंस नेगेटिव है। दूसरा, आई एंजॉय माई लाइफ देयर, यहाँ सेंस पॉजिटिव आ गया इसलिए आई हैव, सेकेंड इसमें आएगा आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स। तीसरा है ही वांट्स टू स्पेंड खालिस्तान डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम इन सॉलिट्यूड, इसमें आप देखो साथियों दैट से दूसरा सेंटेंस जुड़ा है, जब भी दैट से दूसरा सेंटेंस जुड़े तो द फ्यू या द लिटिल आएगा। अब इसमें डेज जो है वो गिना जा सकता है इसलिए इसमें क्या आएगा, द फ्यू आएगा। ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका फोर, जो वी मस्ट बी क्विक, देयर इज खालिस्तान, बी मस्ट बी क्विक, हमें क्विक बहुत जल्दी जाना है, जल्दी करो, देयर इज लिटिल टाइम, टाइम जो है आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन होता है तो आप लगाएंगे लिटिल। और नेक्स्ट है फाइव, लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक, जल्दी जाओ और ड्रिंक करो, बैठो चाय पियो, पानी पियो, मतलब हमारे पास पर्याप्त टाइम है, तो वी हैव गॉट अ लिटिल टाइम। तो जो पाँचवा है वो आपका आएगा अ लिटिल टाइम बिफोर द ट्रेन लीव्स। और जो सिक्स है, ही स्पेंट खालिस्तान मनी दैट वाज लेफ्ट इन हिज पर्स, यहाँ फिर डबल सेंटेंस है, मनी आप नहीं गिन सकते इसलिए इसमें आप लगाएंगे द
लिटिल। जो 7 है, आई हैव गॉट खालिस्तान क्वेश्चंस टू आस्क, आई हैव गॉट खालिस्तान क्वेश्चंस, आई हैव गॉट खालिस्तान क्वेश्चंस टू आस्क, इसमें आप क्या फिल करेंगे? तो ये आप ध्यान दें, क्या आई हैव गॉट, ये यहाँ बिल्कुल रिलैक्सेशन है, कहीं भी निगेटिविटी नहीं है, तो आप फिल करेंगे ए फ्यू, आई हैव गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क, यहाँ कहीं निगेटिविटी नहीं है इसलिए ए फ्यू आएगा। 8वां, आई डोंट थिंक रोहित वुड बी अ गुड टीचर, ही हैज़ गॉट खालिस्तान, यहाँ देखो आई डोंट थिंक निगेटिव, मैं नहीं सोचता रोहित अच्छा टीचर बनेगा, ही हैज़ गॉट खालिस्तान लिटिल पेशेंस, यहाँ आ लिटिल नहीं लिटिल पेशेंस। और 9वां जो है, लिसन केयरफुली, आई एम गोइंग टू गिव यू खालिस्तान एडवाइस, आप ध्यान से सुने, मैं तुम्हें क्या देने जा रहा हूँ, अ लिटिल एडवाइस, सामने वाला व्यक्ति कंफर्टेबल है इसलिए ए लिटिल आएगा, सेंस समझे साथियों। 10वां है, द सिटी इज नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट, सो खालिस्तान टूरिस्ट कम हेयर, जो सिटी है अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा इंटरेस्टिंग प्लेस नहीं है इस सिटी में, इसलिए बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, मतलब फ्यू टूरिस्ट कम हेयर। और 11 है, पब्लिक गार्डन्स दैट वी हैव आर नॉट मेंटेनेड प्रॉपरली, दैट से जुड़ा सेकंड सेंटेंस, गार्डन काउंटेबल है तो द फ्यू आएगा। 12वां, मिल्क दैट ही हैड हैज़ टर्नड सोर, मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, दैट से जुड़ा है तो द लिटिल मिल्क आएगा। 13 जो है, वी मस्ट हरी अप, वी हैव गॉट ओनली खालिस्तान टाइम, इसमें आप देखें वी मस्ट हरी अप, हम बहुत जल्दी में हैं क्योंकि हमारे पास वी हैव गॉट ओनली द लिटिल टाइम या ए लिटिल टाइम, ये आप देखें कौन सा 13 नंबर है, इसमें क्या आएगा, तो आप ध्यान रखें वी मस्ट हरी अप, हरी अप का मतलब है जल्दी करना चाहिए क्योंकि वी हैव गॉट ओनली अ लिटिल टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, मतलब जितना चाहिए उतना तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो इसमें ए लिटिल आएगा। 14वां, द विलेज वाज वेरी स्मॉल, इसमें पहला सेंटेंस देखें, विलेज बहुत छोटा है, देयर वर ओनली, गांव बहुत छोटा है, देयर, तो यहाँ नेगेटिविटी आ गई, देयर वर ओनली फ्यू हाउसेस, देयर वर ओनली फ्यू हाउसेस, इसमें आप देखें फ्यू, हाँ छोटा है, नेगेटिविटी नहीं, देयर वर ओनली ए फ्यू आएगा, देयर वर ओनली ए फ्यू हाउसेस। 15वां, वुड यू लाइक खालिस्तान मिल्क इन योर कॉफ़ी, तो आप ए लिटिल यूज करेंगे, नेगेटिविटी नहीं है, ए लिटिल मिल्क। 16वां, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू, आप पहले से उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये सहमत हैं इफ आई आस्क यू खालिस्तान क्वेश्चन, तो फ्यू क्वेश्चन ना होके इसमें आएगा आ फ्यू क्वेश्चन, इसका आप ध्यान रखें, इसमें ए फ्यू आएगा। इस प्रकार साथियों, ये आपके डिटरमाइनर्स हैं जो लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो या एमपी बोर्ड का पेपर हो उसमें भी आता है, 12th क्लास में, ये वही एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं। नेक्स्ट उसमें लेक्चर में अपन मॉडल्स डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, लाइक करें, धन्यवाद।